पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवर के साथ एक बड़ी हो गई। आपका क्या अमेरिकन, ब्रिटिश जितने जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोगों के नाम गूगल नहीं करते होंगे कि ये काकर हुई इससे मिलना चाहिए या इस और या इस और और मी इंडिया के साथ एक स्टेप आगे जाकर दो स्टेप पीछे आ जाते हैं हर चीज में आप वहां से भी ईरान के साथ आपने देख लिया ये हालात हैं जब आपकी नेवल एक्सरसाइज हो रही है उसी वक्त भी एक दूसरे पे चल रहे हैं वक्त ईरान और पाकिस्तान की नेवल एक्सरसाइज भी हो रही थी और जो जो हमारे काकड़ साहब करने के लिए स्विट्जरलैंड गए थे उनकी भी मुलाकात हुई थी वहां ईरानी फॉरन मिनिस्टर से उन्होंने पूछा सुनाओ चाकलेट शाकलेट ले लीजिए उन्होंने कह दिया बड़िया अच्छी चाकटन उसी भी ले लेना ये बात उनकी भी हुई थी वहां पर और सबसे ज्यादा नुकसान तो आपका रूलिंग पार्टी का हुआ है ये वीडियो दाबोस का है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवर अल अलहूक काकर दावोस में हिस्सा लेने के लिए वहाँ पहुंचे थे यहाँ पर काकर के साथ एक बड़ी बेजती हो गई हुआ ये कि जैसे ही वो हॉल में जा रहे थे वहाँ पर मौजूद अधिकारियों ने उनसे उनका आईडी कार्ड मांग लिया लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां खड़े दूसरे व्यक्ति ने ये कहा कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है तो फिर उन्हें अंदर जाने दिया गया आमतौर पर इस तरह की घटनाएं किसी बड़े नेता के साथ होते हुए दिखाई तो नहीं देती लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ अक्सर दिखाई देता है आमतौर पर किसी बड़े नेता के साथ इस तरह की घटनाएं बहुत रेयर है लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ हर जगह कुछ ऐसा हो जाता है उसके बाद क्या था उसके बाद जब वो अंदर गए फिर वो बाहर आते हैं फिर मीडिया उनसे पूछती है क्या पाकिस्तान ईरान के हमलों का जवाब देगा इस पर भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुपचाप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते मैंने आपको बताया था एफ अलेवन में इनके पड़ोसी को नहीं पता काकड़ साहब कौन है और आपको पता है जो इनको आपको पता होना चाहिए चीमा साहब आप इस्लामाबाद बैठे हैं कि ये क्वेटा से इस्लामाबाद पहुंचे कैसे आपको पता होना चाहिए कि कैसे पहुंचे इनको कौन लेकर आया था सेनेटर किसने बनवाया था वट इज दिस पोजिशनिंग मैं जो मैं एक बड़ा छोटा सा बंदा हूं जो मैं कहता उन्होंने कड़े में से इनका नाम निकला है कोई नौ दस सेनेटर नौ दस लोगों को क्वेटा से लाके के इस्लामाबाद में प्लांट किया गया उसके मुझे थे पिछली रिजीम के अंदर जो, जो लेकर आए थे उनके ये दोस्त अजीज थे सारे आपके सेनेट के चेयरमैन साहब को लाया गया था जिसके बारे में अगले दिन आपके जरदारी साहब ने कहा था कि वो आपका बंदा तो चला गया अब आपको कौन ऑपरेट करेगा उन्होंने कहा और भी कही है भाई उसी तरह का लोग इन जो वही लेकर इनको भी आए थे काकड़ साहब को तो जब बंदे का स्टैचर ये हो आप ख्याल करते आप मैं एक, आपको एक आ, बताना चाहूंगा मैं ना चीज आपके सामने बैठा हूं मैं जिससे मीटिंग करता हूं बिजनेस मैं दो दिन पहले उस बंदे का नाम गूगल करता हूं आपका क्या ख्याल है अमेरिकन ब्रिटिश जितने जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोगों के नाम गूगल नहीं करते होंगे कि ये काकड़ साहब हो सी इससे मिलना चाहिए या इस वेस्टेज ऑफ टाइम और या इट विल ब्रिंग समथिंग टू माई स्टैचर और माई पोर्टफोलियो और इट विल ब्रिंग मी डाउन मीटाउन ईरान और पाकिस्तान की नेवल एक्सरसाइज भी हो रही थी और जो हमारे काकड़ साहब जो स्कीइंग करने के लिए स्विट्जरलैंड गए थे उनकी भी मुलाकात हुई थी वहां रानी फॉरन मिनिस्टर से और उन्होंने पूछा सुनाओ चाकले उन्होंने दी बड़िया अच्छिया चाकटन तुम्हें भी ले लेना ये बात उनकी भी हुई थी वहां पे और सबसे ज्यादा नुकसान तो आपका रूलिंग पार्टी का हुआ है कि काकड़ साहब की वोकेशन खराब हो गई है और हमारे जिलानी साहब सफारी करने युगांडा गए हुए थे उन्होंने उस वक्त वहां पे दो जीवरे चे थे वो उनको पकड़ा हुआ था उन्होंने कर, उनसे बातें कर रहे थे तो आपने पीछे से बुला लिया सबसे ज्यादा नुकसान तो उन दो लोगों का हुआ है लेकिन इसमें चीमा साहब देखें अब पाकिस्तान क्या है रश, वो ईरान क्या है ईरान इसी रशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है आप अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कहते हैं ना दो मुर्गों की लड़ाई थी उन्होंने सिर्फ टेस्ट किया उन्होंने क्या बच्चे उन्होंने अपने बच्चे बुरे को कहा यार क्योंकि ईरान देखे सबसे बड़ी ईरान को अटैक करना चाहिए था रोज बढ़ के मारते हैं यहां तो सीधा अटैक करे ना इसराइल के ऊपर तो या फिर मिजाइल को छा अमरीका स्वाद भी आवे उधर वो भी डरते हैं उस चीज से वो उधर नहीं जाते डरते हैं हाँ इधर से फिर अमेरिका डरता है वो हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर है उसका तो पता ही नहीं ना कि वो जिंदा है या बेचारा फौत हो चुका है शहीद हो चुका है उसका तो पता ही नहीं गया किधर उसका पता ही नहीं है नाम और शानी को नहीं पता क्योंकि दोनों कौमों को मैंने आपको बताया था ना कि हालात उनके भी पतले हैं वो सेंशन अच्छा फिर उन ईरानियों को इलेक्शन की जरूरत है आगे साल पहले वो हिजाब की कंपेन चली थी वो नाइनटीन के बाद सबसे बड़ा एतजाज वो था फिर उन्होंने उनको भी तो फेस सेविंग चाहिए ना अपने लोगों को दिखाने की वेखो जी साढ़े मसल देखो असी इसराइल में भी भारत है असी पाकिस्तान में भी भारत है असी, असी आई से बदला अपना उसका भी ले लिया है वो जो अपना सुलेमानी उसका भी बदला ले लिया उन्होंने भी तो अपना मौलविया जो वहां पे अपना इब्राहिम रईसी साहब है उन्होंने भी फेस सेविंग करनी है उन्होंने फेस सेविंग कर ली है जो उनका गवर्नमेंट ऑपरेटेड मीडिया है उन्होंने बड़े 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 मैगजीन छापे होंगे आ, तो उन्होंने भी अपना कर लिया आपने अमरीका को खुश कर लिया तो आ, कहते ना टारगेट अचीव टारगेट अचीव तो दोनों साइडों से ठीक हो गया लेकिन इतना ही होना था क्योंकि कहते हैं ना क्या पिदी, क्या पिदी का शोरबा दोनों के हालात ऐसे ही थे इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते इससे ज्यादा होना भी नहीं था और मैं मैं समझता हूँ अच्छा हुआ है क्योंकि इस वक्त जो हालात पाकिस्तान के हैं ना एक्सटर्नल ठीक है ना इंटरनल है, है किसी के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है आपके यू आर कंप्लीटली आइसोलेटेड इन इंटरनेशनल कम्युनिटी कंप्लीटली आइसोलेटेड इसमें मुर्शद पाक ने एक मेजर रोल अदा किया आइसोलेट करने में

मैं अभी देख रहा था काकड़ साहब आप कहते हैं कि वो अभी तो अभी वो पहाड़ी पे चढ़ी थे बर्फ वाली पे तो पिछु, पिछु थले जंग लग गई है तो वो तार साहब ये किसी से मुलाकात नहीं हुई उनकी रानी मिनिस्टर मुलाकात हो तो बहुत लड़ाई हो गई किसी से मुलाकात नहीं पैड़ी पैड़ी कंपनिया वजीर आजम पाकिस्तान जो है मैं अमूमा गेस्ट लिस्ट देखता हूँ कि जब वजी अजम यूएन जाता है डेवोर्स जाता है या इस तरह की फोरम पे जाता है तो किसको मिलता है तार सब इंटरनेशनल मीडिया ने इंटरव्यू किसका किया है किसी बड़े पैनल पे हमारा वजीर आजम नहीं बैठा हुआ था ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का इंटरव्यू उसने किया वो जो एन वाला है फरीद जक्रिया ने किया हम किस, हमने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया आप मैंने सारी जाके अपने पी की वेबसाइट पर देखा है सारा हमने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया और मुलाकातें किससे हुई है कंपनियों के सीईओ से वो भाई जो कम अज कम बायो मुलाकातें करो और वो अभी वो जी जी आप वाले मुझे, मुझे इस पर मुझे थोड़ी सी इस इस पे आ, इस पे करेक्ट कीजिएगा जिन बिजनेस मैनों से मुलाकात आप कहा थे? अमेरिका में जब आए थे नहीं नहीं सर इधर डेवोस में स्विट्जरलैंड वो भी कुछ दो चार ऊबर ड्राइवर होंगे पाकिस्तानी जिनसे मुलाकात हुई होगी वह सी ओ कहा से आपके मिल गए आगे काकड़ साहब कैसी बातें कर यहाँ वाशिंगटन डीसी में जो कहते हैं कि आप सीईओ इधर भी सीईओ से मुलाकात हुई है जिनके दो दो चार थे, उनसे मुलाकात हुई उनकी, पाकिस्तानियों तीन मुलाकातें बड़ी अहम हुई है मुलाकात हुई इनकी। दूसरी जो दो मुलाकातें हुई हैं एक जो परमानेंट नुमाइंदा पाकिस्तान का उससे मुलाकात हुई है तीसरी मुलाकात जो स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान का एम्बेसर उससे तीन मुलाकातें हुई कम है मुलाकातें आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए धन्यवाद जय हिंद